Yes, students of 10th class, today we will discuss one of the question, that is question number 16 of the same exercise 5.2 of the same chapter arithmetic progression, that is AP. इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके. नाउ वी डिस्कस और टॉपिक दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ द चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2. क्वेश्चन इज यर डिटरमाइन द एपी, हमें डिटरमाइन एपी करनी है. Whose third term is 16? उस arithmetic progression जो हमें यहां से निकालनी है, determine करनी है, उसकी third term हमारे पास 16 है. Third term का value 16 है. And the seventh term exceeds the fifth term by 12. और क्या है, given condition में seventh term उस arithmetic progression की एक्सीड हो रही है द फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड हो रहा है सेवंथ टर्म. नाउ वी टेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सॉल्यूशन, वी हैव एन जो हमारे पास होता है जनरल टर्म, दैट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ये हमारे पास एन टर्म होता है. टेकिंग A1, A2, A3, so on, AN, so on. B, the given arithmetic progression. Given arithmetic progression. तब जाके हमें A1, A2, A3 and so on, AN इनका value देखना है. Since AN is equal to, AN हमारे पास होता है A plus N minus 1 into D. As A is first term, D is common difference. We have here first condition of the question, third term is 16. If we take here N is equal to 3, that becomes third term. We have by question, question se hamare paas kya hai? A3 it is equal to 16. ये हमारे पास given condition है. But A3 is equal to, this implies us A plus 3 minus 1 into D, it is equal to 16. Or A plus 2D, it is equal to 16. ये हमारे पास एक condition है given. दूसरी कंडीशन है सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12. पहले हम सेवंथ टर्म देख लेंगे. सिंस ए सेवन दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी. एंड ए फाइव इट इज इक्वल टू ए प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी. दैट इज A7 is equal to A plus 6D and A5 is equal to A plus 4D. Now use second condition of the question. ये हमारे पास first condition में हमारे पास ये आया था A plus 2D equal to 16 और ये हमारे पास seventh term में it is the fifth term. Now we take second condition by question. Or by using second condition of the question, by question, seventh term exceeds the fifth term by 12. इसका मतलब इन दो terms का है. ये दो तीन तरीकों से हम यहां पे second condition ले सकते. Seventh term, that is A7, exceeds fifth term. That is, it is equal to A5 plus 12. ये भी इस तरह भी हम लिख सकते हैं. यहां इस तरह लिख सकते A7 इनका डिफरेंस A5 इट इज इक्वल टू 12. दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं. बाय क्वेश्चन वी टेक A7 माइनस A5 इट इज इक्वल टू 12. बट A7 इज हियर A प्लस 6D
that is a plus 6d, there is minus a5, a5 is here a plus 4d, it is equal to now 12. We have plus a minus a cancel hoga. अब 6d माइनस 4d, 6d में से 4d चला जाएगा, वी गेट हियर 2d, इट इज इक्वल टू 12, और d इज इक्वल टू 12 बाय 2, इट इज इक्वल टू 6, इसका मतलब हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका कॉमन डिफरेंस 6 है. नाउ वी फाइंड फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमें टेकिंग दिस एज फर्स्ट, इसको आप फर्स्ट मान के चले, जो फर्स्ट कंडीशन थी a प्लस 2d इक्वल टू 16, d का वैल्यू हमारे पास 6 आ गया. यूजिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से क्या मिलेगा हमें, दैट इज a प्लस 2 इंटू d, d का वैल्यू हमारे पास 6 है, इट इज इक्वल टू 16, और a प्लस 2 इंटू 6 दैट इज 12, इट इज इक्वल टू 16, और a प्लस a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, 12 राइट साइड में जाएगा, और a इज इक्वल टू दैट इज 16 में से 12 चला जाएगा, वी गेट 4. वी हैव हियर a इज इक्वल टू 4, दैट इज फर्स्ट टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो 4 है, दैट इज a1, वी हैव a1 का वैल्यू हमारे पास 4 है, देयरफॉर a1 इज इक्वल टू 4, a1 is equal to 4. Now we have to find a2, a3 and so on. a2 kya hai hamare paas? a2 is equal to, that is a1 plus d. A second term kahan se milta hai hame? First term plus common difference. First term hamare paas 4 hai. Plus common difference we have here, d is equal to 6. That is 6. We get it as 10. इस तरह a3 जो है, a3 कहां से मिलेगा, वो हमें इस फार्मूला से भी मिल सकता है, that is a3 is equal to a plus 3 minus 1 into d, that is a plus 2d, a plus 2 times common difference, इससे भी मिलेगा, या second term plus common difference, second term का value 10 है, plus common difference 6, that is 16. इस तरह a4 जो हमारे पास होगा, दैट इज थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म हमारे पास है 16 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू 22. इसी तरह और टर्म्स भी हमारे पास आएंगे, दस द एपी इज, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज क्या है हमारे पास, दैट इज 4, सेकेंड टर्म 10, 16, 22, सो ऑन. ये हमारे पास रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, विच वी हैव टू डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. हमने इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई किया बाय यूजिंग द गिवन कंडीशंस. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.